अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कश्फ की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि कश्फ के अबू जो अपनी बेटी की मदद से अमीर बनना चाहते हैं और वो पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं, और अब उनके जहन में पैसा कमाने का एक और ख्याल आता है और वो कश्फ से कहते हैं, बस एक बार तारीफ देना शुरू कर दो, देखना हमारी कमाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। कश्फ उनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो इस बात का जवाब कुछ यूं देती है, ये कैसे कर सकते, मैं तो सिर्फ ख्वाब देख। कश्फ की दादी को जब इरम का पता चलता है तो वो कश्फ की माँ से इरम के बारे में कुछ इस तरह कहती है, दिमाग खराब हो गया है या फिर इसने किसी को अपने पीछे लगा लिया। कश्फ की माँ अपनी सास की बात सुनकर परेशान हो जाती है और कश्फ को भी जब पता चलता है कि इरम एक लड़के को पसंद करती है, और उसके अब्बू को भी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, कश्फ उनसे कहती है, इरम की शादी वही होगी जहाँ ये चाहती। कश्फ की ये बात सुनकर उसके अब्बू और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इरम की शादी अब मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा और मैं इसके लिए कोई लड़का देखता हूँ। लेकिन कश्फ सब घर वालों को ये धमकी देते हुए कहती है, और अगर इरम की खुशियों की राह में कोई रुकावट बना तो मैं आस्ताने में बैठना छोड़ दूंगी, सुन लिया आप लोगों ने। कश्फ के अब्बू उसका ये रवैया देखकर उसे घूरते हैं और उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर कश्फ ने ऐसा किया तो मेरे अमीर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा और वो हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसा हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।